ये जो घटना हुई है टीका लगने के बाद, किसने लगाया और कैसे क्या हुआ है पूरा? सीमा बलवाइन है और सिरोली नामेपुर गए रहे, वहाँ पर चार टीका लगाई और चार टीका लगा उससे पहले बता देना है कि जिम्मेदारी तुम्हारा है, दुई दवा पिए और उसके बाद कहें सारी जिम्मेदारी हमारा है। नहीं, उसके बाद फिर बच्ची को लेके आए, फिर क्या हुआ? बच्ची को लेके आए, घर पर चिल्लाने लगी, तब से चिल्लात रही और उसके बाद एक टेबलेट दी तो उसका चार खुराक बनाया, छह खुराक बताई ना बनाया, मुझसे रखी नहीं दवा नहीं पिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद रात भर वैसे चिल्लावा के उसके बाद सुबह 4 बजे खत्म हो गई। ये जो यहाँ पे घटना हुई है, वो जो टीका लगवानी, कौन कौन सा टीका लगाया गया था उनको और किसने लगाया था, क्या नाम था उनका? उनको जो है सुनीता मौर्य ने लगाया था और BCG पेंटा फर्स्ट, IPV फर्स्ट और पोलियो रोटा वायरस। दवाई भी पिलाई थी पोलियो की। टीकाकरण हुआ था, बच्चे की मौत हुई, क्या है पूरा मामला, कैसे क्या हुआ? देखिये वो दनापुर गांव है और उसके अंदर में हमारी एनएम ज्योति सुनीता, वो कल टीकाकरण करने गई थी, बुधवार और शनिवार टीकाकरण होता है, तो कल वो टीकाकरण करने गई थी। दीपाली एक बच्ची थी जिसकी उम्र 2.5 महीना थी और उनके पिता का नाम दुर्गेश सर, तो उसको टीका लगाया गया था क्योंकि जो लगता है पहली बार में आने में टीके, वो उसको 6 लगे थे, BCG लगा था, पेंटावेलेंट फर्स्ट लगा था, IPV लगा था और उसको ये लगाया गया था आपका जो है ये आपको उसको जो था रोटा वायरस का वो दिया गया था, वैक्सीन दिया गया था और साथ में उसको जो था कि OPV दी गई थी। घर वालों का कहना था कि इतने सारे टीके एक साथ दे दिए गए इसकी वजह से मृत्यु हुई, पर वो बात अभी कह पाना बिल्कुल ही संभव नहीं है मेरे लिए कि टीके से मृत्यु हुई है, क्योंकि बच्चे की डेड बॉडी मैंने देखी तो उसके नाक और मुंह से खून आ रहा था और जिसे देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बच्चे को जो दूध पिलाया गया है और वो दूध जो है श्वास की नली में चला गया जिससे वो बच्चे की मृत्यु हुई है।